चंद्र भगवान की और उच्च स्वर में आप लोग जय घोष करें। बोलो मां चंद्रिका महारानी की, बोलो वीर बजरंग। अभी आप लोगों ने बड़ी दिव्यतम कथा सुनी और पांडाल में आकर के सुनने का सुख कुछ और होता है। जो नहीं पहुंच पाए होंगे वो पछताएंगे, लेकिन जिनके कर्ण कुहरों में ये अत्यंत मधुर कथा श्री राम जी की प्रविष्ट हुई होगी, उनके संचित जितने भी पाप हैं वो सब विनष्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा विनम्र विश्वास है। और कथा जब स्वर से सजती है तो दो गुना इफेक्ट करती है। मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हुए जब वो स्वर से भजन गाती थी तो राणा के द्वारा दिया गया विष का प्याला भी अमृत हो जाता था। कि सुर में अमृत होत है जानत सकल जहान, और गाते गाते कर गई मीरा पिछका पान सिया बलराम चंद्र जी की जय। यहां की साउंड सर्विस और बिंदा भैया के बिंदा भैया की मैं बिंदिया क्या कहूं, ये बिंदास है, बिंदा जी बिंदास हैं, ढोलक वादन में खास हैं। ऐसा लगता है राघोपुर में राघव जी सबके पास हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, क्योंकि संगीत और भजन जहां होता है ना, भगवान नारायण स्वयं आकर के उस सत्संग गोष्ठी में बैठ जाते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम योगी नाम हृदय, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मैं वहीं जाके बैठ जाता हूं। और संगीत की स्वर लहरी का चाहे जितना पियो, यही एक ऐसा रस है कि चाहे जितना पीते रहो राम रस का प्याला संगीत में, जी नहीं भरता है। इसलिए संगीत के स्वरों की असर दुनिया भी डाली है, पियो चाहे भर भर के रस के प्याले, लगता है अभी कुछ खाली है, अभी कुछ खाली है, अभी कुछ खाली है। तमाम संत धर्माचार्य देश के कोने तो जय मुदीरई किरात हूँ अंध पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यमुना खसा दया एदम च पापाय यदुपाश्रिया श्रिया स
शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कुन्दइन्दुदर्गाजसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम् कारुणीककरकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई गुण गाऊं श्री राम के श्री हनुमत हो सहायु ले तो सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के बोलो जय प्रभु सीता। वेद वेदांत प्रतिपाद्य आनंद कंद कौशलानंद नंदन परात्पर पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निर्विकल्प साकार सच्चिदानंद घन भगवान श्री सीताराम जी के युगल श्री चरण कमलों में वंदना। शीर्षा नमन। राम कथा के बड़े ही प्रेमी श्रोता और जिनको रसिया भी कहा गया है, यद्यपि आज की भाषा में लोग अगर किसी से कहते हैं कि तुम बड़े रसिया हो, लेकिन एक रसिया और है, वो वैराग्य राग रसिक है। राम चरित सुनिबे को रसिया, आहा गोकर्ण ने अपने पिताजी से यही कहा था। आत्मदेव से पिताजी धर्मम भजत्स्व सततम् त्यज लोक धर्मा सेवस्य साध पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा। दूसरे का न गुण चिंतन करो न दोष चिंतन करो, तो क्या करो? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। तुम भगवान की कथा और संतों की सेवा करो, और अभी तक तुम राम रसिक नहीं बने पिताजी, अभी तक राज रसिक बने रहे, अब वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग की रसिक बन जाओ पिताजी। कोई कोई पिता अपने पुत्र को समझाता है, लेकिन आज एक पुत्र गोकर्ण अपने पिता को समझा। पिताजी सब कुछ छोड़ करके वैराग्य राग रसिक बन जाओ, नहीं तो ये संसार का नाम दुखार्णव है, इसमें सुख है ही नहीं, केवल सुख की छाया है, और नहीं तो संसार का नाम दुखार्णव है। आओ प्रभु, समय की परिधि में कुछ कहूं, उसके पहले दो बार प्रभु नाम सभी लोग बोल ले, और हमारे आदरणीय संचालक पदासीन महाभाग आदरणीय अनुज भैया अंबिकेश त्रिपाठी जी, और जिनकी वाणी से अभी भगवान की परम देवी प्रमाण मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे थे, मानस की बाल विदुषी बेटी अंजलि,
और उनके पूज्य बाबा जी का मैं सादर वंदन करता हूं, और जिनके द्वारा इस संस्कार करे उनके माननीय पिताजी का भी मैं सादर वंदन करता हूं। दूरस्थ समीपस्थ निकटस्थ ग्रामों से पधारे हुए सभी गुणगण गौरव वरिष्ठ पूज्य बुजुर्ग जनों का मैं सादर चरण वंदन करता हूं। परम आदरणीय हमारे पूज्य शुक्ल जी, आदरणीय दीक्षित जी और पूज्य मूर्तियां बैठी हमें सभी का चरण वंदन करते हुए परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय भगवती स्वरूपा देवी स्वरूपा माँ बहनों का सादर चरण वंदन करते हुए अपने बीच पधारे हुए परम आदरणीय परम पूज्य अनंत से समलंकृत परम पूज्य स्वामी माधव जी महाराज, उनका मैं सादर चरण वंदन और इटावा की धरती से पधारे हुए परम आदरणीय सम्माननीय क्रांति दूत श्री राघव जी का मैं सादर वंदन करते हुए, और जो लाल पर संगत हमारे लिए रहे हैं बड़ी सुंदर संगत हमारे आदरणीय जिंदा जी, उनके सहयोगी मजीरे पर वादन कर रहे भैया जी, उनका भी मैं वंदन करता। आओ सभी लोग नाम बोले, राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम, सब बोलो राम राम सीता राम। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता एक तो मुझे बात याद आ गई, सभी के मन संसार में लगे हैं, और थोड़ा मन को जब तक अलग नहीं करोगे तब तक भगवान के सामीप्य को नहीं पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रश्न किया कि संसार से वैराग्य पाने के लिए, परिवार से वैराग्य पाने के लिए क्या किया जाए, तो एक वर्षा काल के वर्णन में बड़ी सुंदर आधारित है। बोले रसी रस सूख सजित जिमी पानी अमता त्याग करने ज्ञान। जैसे सूर्य की रश्मि जो है किरणें, वो भरे भुले सरोवर को धीरे धीरे अपनी किरणों से सोख लेता है, वैसे मनुष्य को भी जब सात साला पाठशाला के अंतर्गत आ जाए तो धीरे धीरे परिवार और संसार से मन को अलग करके जाना चाहिए। ममता त्याग करें जिन ज्ञानी और रस रस सूखे सहित जिन पानी, क्योंकि घर की सब लोग कहें पर कोई न
वस्तु यहां घर की, क्या है घर का कुछ नहीं है। ऐसे करके आए थे और ऐसे करके जाओ। अरे घर की सब लोग कहें परी कोई न वस्तु यहां घर की, और घर की ममता जो त्याग करे वो खोज करे असली घर की। और जिनको अपनी घरनी कहता, घरनी मानी पत्नी, वो अपनी न हुई अपने घर की। कहते देहरी से बाहर करो और सब तो हो चुके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पत्नी को जबरदस्ती ढकेल के भीतर कर दिया जाता है। जिनको अपने घर की घरनी कहेगा वो अपनी न हुई अपनी घर की। अरे मन मूर्ख सोच जरा, यहां वस्तु सभी है सियावर की, यहां वस्तु सभी है सियावर की। और भरत जी ने ये स्वीकार किया कि संपत्ति सब रघुपति के आजी, संपत्ति सब रघुपति गया संपत्ति सब रघु, ये संपत्ति सब रघुपति किया ही, यहाँ अपना कुछ नहीं है, हम किराए पर हैं। और वो किराएदार जब दंड खटखटाएगा तो मकान ले लेगा, और मकान में जिन लोगों ने उधार दिया है वो अपना अपना ले लेंगे। छीट जल पावक गगन समीर, ये अपना अपना ले लेंगे और इसका फिर कोई मान पान नहीं रह जाएगा। अब हमको बड़ी सुंदर चर्चा कल के प्रसंग में सुन रहे थे कि सुख संकादि से अनुसार सुख संकार अनुसारे मुनि विज्ञान विषाद सब कर सब कदम करुक संकार सब कदम सब नायक करिए पंकज नहीं पंकज करिए।
का मत है काग भसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि पहले इनको मैंने जज रूप में बैठाया कि किससे जीव का कल्याण होगा, तो इन ऋषियों ने सुख सनकादि शेष अनुसारद और जो बड़े बड़े मुनिवर विज्ञान विशारद इन सब लोगों का एक ही मत से स्वर आया कि करिय राम पद पंकज निहार, श्री राम के चरण कमलों से प्रीत करो। अभी बिटिया ने बड़ी सुंदर बात कही, श्री हनुमान जी ने संसार के पद से नहीं प्रीति की तो भगवान के पद से की थी। राम जी जिस समय अयोध्या में राज तिलक वशिष्ठ जी के द्वारा होने लगा, हनुमान जी चुपचाप एक कोने पर बैठे थे, भरत जी को पीछे खड़ा कर दिया और भरत जी वो लिए भगवान के ऊपर प्रसन्न किए हैं। लोगों ने भरत जी से कहा, भरत जी राम जी तुमको छोड़ के चले गए और सिंहासन पर भी बैठे तो तुमको आगे नहीं, तुमको छत पर लेकर के खड़ा कर दिया है। राम जी से कहा, भरत जी छत लिए खड़े हैं, भरत को पीछे क्यों कर दिया? कहा, जिस राजा के सिर पर भरत जैसे साधु का छत बना रहेगा उससे कभी प्रजा परेशान नहीं होगी, इसलिए भरत का अगर मेरे ऊपर छत बना रहेगा, क्योंकि हमें तो साधु कहा गया है। कई कहती है दशरथ जी से कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम भी साधु हैं और कई दशरथ से कहती तुम तो सयाने साधु हो, और कौन साधु? हनुमान जी ने कहा कि साधु के होई नकारज हानि और यही सन हठ करिहौं पहिचानि। हनुमान जी ने सोचा कि लंका में एक ही साधु दिखाई दे रहा है, अरे जो 4 बजे जग जाए राम राम बोलने लगे वो साधु है, जिसके घर में तुलसी मैया का वृक्ष लगा हो, जिसके घर में शंख घंटा बज रहे हो वही तो साधु है। जब हनुमान जी ने कहा कि लंका में सब जगह घूम आए, सब सोने वाले मिले, लेकिन केवल एक जागने वाला मिला, जो जाग रहा है वही तो जानकी का पता बता सकता है, भक्ति तो वही पा सकता है जो जाग रहा होगा, सोने वाला भक्ति का पता क्या जाने। इसलिए कहा जागने वाले से जानकी का पता। बोले एही सनहट करिहौं पहिचानि और साधु दे होई नकार जुहानि। विभीषण साधु और कौन, और सबसे बड़ा साधु कौन है? तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम जतनु अनुराग अगाधु, तात भरत तुम सब विधि भगत सब।
हनुमान की पद प्रतिष्ठा में नहीं, हनुमान साधा था। राम जी का तिलक हो रहा है, हनुमान जी को देखा कोने में बैठे, राम जी ने बुलाया, हनुमान इधर आओ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, बोले हनुमान मैंने विभीषण को लंका का पद दे दिया और सुग्रीव को पंपापुर का पद दे दिया, लेकिन तुमने इतनी सेवा की, आज तक तुमको कोई पद मैंने नहीं दिया है। मैं सोचता हूं कि अयोध्या का पद मैं लेकर के तुमको दे दूं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु हमको आपने पद नहीं दिया, अरे इन लोगों को तो एक एक पद दिया, ये पद लोलू थे और दौड़ करके भगवान के दोनों पैर पकड़ लिया। कहा जिसे भगवान के दोनों पद मिल गए हों उसे अब संसार में किसी पद की जरूरत नहीं। प्रभु आपने मुझे दोनों पद दे दिया। तो भगवान के चरण कमलों से पद पंकज से प्रीति जिनकी हो गई, अरे बड़ो भागी अंगद हनुमान, खाजो मृग मधु कर देश धरि देवा, मृग मधु कर देश धरि दे बहुत रघुनायक सेवा करई, पग मग मधु कर देश ये देवता ही खग मृग मधुकर बने हैं। तो भगवान उन्हीं से पूछ रहे हैं कि मैंने सीता की रक्षा के लिए तुम्हें वेश परिवर्तित करके खग मृग और मधुकर बनाया है, इसलिए जिन जो सीता की रक्षा करने का मैंने मार दिया था उन्हीं से पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर से तुम देखी सीता मृगिनी, सीता मृगिनी पहला सीता की खबर देने वाला खग ही है, खग से पूछा, और दूसरी खबर देने वाला कौन है मृग, वो कौन है शाखा मृग सुग्रीव। भगवान जब रोते हुए चले आ रहे हैं, सुग्रीव कहता है मन तीनु सही तो यहां एक बारा तो बैठ रहूं कछु कर तू विचार, गगन पंथ देखी नभ जाता और पर्वत पड़ी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी ओ हम ही देख दीहू पट गारी। भगवान ने कहा वो पट कहां है, जो मेरा नाम पुकार करके पट फेंका था वो पट लाओ, वो वस्त्र लाओ। कहा पट के साथ प्रभु
हनुमान नाटक में श्रृंगार भी थी काहे सीता जी का वो पट कहां है। जब वो पट दिखाया पट उड़ाई आहा सीता के उन वस्त्रों को भगवान ने अपने सीने से लगा दिया। श्रृंगार के उन आभूषणों को भगवान ने अपने सीने से लगा लिया। आहा जो जिसका प्रिय होता है अगर उसके पास का कोई तिनका भी मिल जाता है उसे देख करके वो रोने लगता है। लक्ष्मण जब एक हिरणी को मारने के लिए तैयार हो गए का प्रभु संसार में मैं हिरण जाति ही नहीं रहने दूंगा, क्योंकि हिरण न होता तो मेरी मां का हरण नहीं होता, इसलिए मैं हिरण ही नहीं रहने दूंगा। लेकिन जब लक्ष्मण जी धनुष बाण तान करके हिरणी को मारने लगे तो वो और नजदीक आती चली जा रही है। किसी ने हिरणी से कहा जो धनुष बाण लिए तुम्हें मार रहा है तुम उसकी तरफ क्यों भागी चली जा रही हो, तुम संसार की तरफ भागो। उसने कहा कि जब संसार के लोग मारते हैं तो लोग भगवान की तरफ भागते हैं, अब जब भगवाने के भाई मार रहे हैं तो संसार में भागने से अब बचना नहीं है, इसलिए मरु तो उन्हीं की शरण में मर जाता है। जब मारने लगे तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मत मारो, और कोई हिरणी ठीक है बस इसकी एक ही चीज देख करके मुझे सीता की याद आ गई। राम रोने लगे लक्ष्मण मत मारो, कहा किस चीज की याद आ गई भैया कि सीता के नेत्र और इस हिरणी के नेत्र एक समान है, मेरी सीता को भी मृग नहीं लोग कहते थे, तुम देखी सीता मृग नहीं, इसके नेत्र देख करके मुझे सीता की याद आ गई कि मेरी सीता के नेत्र ऐसे ही है, इसलिए लक्ष्मण से छोड़ दो मत मारो, इसके नेत्र मेरी सीता के समान। प्रेमी अपने प्रेमास्पद की किसी भी एक चीज को देख लेता है तो उसका हृदय जीवित हो जाता है। उस हिरणी को भगवान ने छोड़ दिया कि इसके नेत्र सीता के समान। हनुमान जी महाराज जिस समय सुग्रीव के पास राम जी को देखा, हनुमान जी दौड़ करके आए कि गड़बड़ हो जाएगा सुग्रीव के द्वारा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया इससे मित्रता मत करो, ये मित्र बनाने काबिल व्यक्ति नहीं है। भगवान ने कहा क्यों, कहा एक तो इसने अपनी भाई की मदद न करके उसके दरवाजे पर बड़ा पत्थर का टुकड़ा भूंस करके चला आया, ये भाई की अपने नहीं मदद कर सका तो हमारे भाई की भी मदद नहीं कर सकता। जो अपने भाई को पत्थर की शिला लगा करके बंद कराया वो हमारी रक्षा हमारे भाई की रक्षा नहीं करेगा। और दूसरी बात ये बता रहा है कि मन तीनो पुर देखा पधार चुके हैं और अभी देखो समय है। मन तेल मोह देखा बिन साई
तो दीन है मुराद मोही परियादी मंतिन मोही दे और भैया ये कहता है मंत्री उन्हें हमको जबरदस्ती राजा बना दिया मंदिन पुर देखा बिन साई तो दिन राज मोही बढ़िया जबरदस्ती मुझको राजा बना दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जी भी कितना झूठ बोल रहा है किसी को जबरदस्ती राजा बनाया जा सकता है अगर जबरदस्ती राजा बनाया जा सकता था तो भरत के ऊपर कितना जबरदस्ती का दबाव पड़ा था भरत भी राजा बना दिया। लेकिन ये व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है विश्वसनीय नहीं है जो अपने भाई को एक पत्थर की शिला लगा करके बंद कराया। अरे इसको तो अपने भाई को बचाने के लिए मर जाना चाहिए। इसलिए भैया और दूसरी बात ये आभूषण जो दिखाए हैं ये मेरी माँ जानकी ने नाराज होकर के इसके पास भेजे कहा क्यों। राम जी ने पूछा नाराजगी कैसी। कहा ये मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता रहा जब सीता को बचाने के लिए नहीं उठा तो मेरी माँ ने ये जो आभूषण चूड़ियां फेंकी है अंगूठी फेंकी है और जो श्रृंगार का सामान फेंका है जो वस्त्र फेंका है तो माँ ने कहा अगर भारत की नारी की तू आबरू नहीं बचा सकता तो तुझसे अच्छी तो नारियां हैं। अगर नारियां बनना है तो माता जी ने अपने सारे श्रृंगार कहा इसे पहन करके बैठे। इसलिए प्रभु ये विश्वसनीय नहीं दे रही। हनुमान जी ने उसी वक्त आया हनुमान नाटक में कि हनुमान जी ने उसी वक्त पंत वेशधारी पंत मुख हनुमान बनकर के गर्जना करने लगे बोलिए बजरंग बली की। हनुमान जी ने पांच मुखों से गर्जना की। तंत्र शास्त्र में हनुमान जी के ये पांच मुख बताए गए। कई कई पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित होती है। पहला मुख हनुमान जी ने श्री राम जी के सामने गर्जना करके कहा प्रभु अगर ये नहीं मदद करेगा तो पांच मुख से गर्जना करके बताया कि प्रभु मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। उन पांच मुखों में किसी ने हनुमान जी के अगर दर्शन पंचमुखी किए हो तो बता सकते हो कौन कौन मुख है पांच मुख नहीं मालूम होगा शायद किसी को मालूम। पहला मुख हनुमान जी का है नरसिंह मुख बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने कहा ये नरसिंह मुख तो ये वेश एक बार हमने बनाया था और ये मुख हमें वही दिखा रहे हो जिस मुख को देख करके मेरे सामने कोई नहीं आया हनुमान लेकिन आज तुम वही मुख हमको दिखा रहे हो जिस मुख को मेरी गृहिणी धर्म पत्नी लक्ष्मी भी मुझे देख करके इस रूप को भाग गई थी वही रूप लेकर के आए हो जिस रूप के सामने केवल प्रहलाद मेरे सामने आ सके थे आज वो रूप तुम दोबारा बना करके आ गए। आहा नरसिंह रूप को देख करके कोई नहीं टिक पाया था। प्रहलाद जी से पूछा गया बेटा जब इतने लोग भगवान नरसिंह के सामने नहीं गए मुख देख करके तो तुम कैसे भगवान के पास चले गए। प्रहलाद ने बड़ा उत्तर दिया हाथ जोड़ करके प्रहलाद ने कहा कि जो भगवान का मुख देखने रहे
वो भगवान के पास नहीं जा पाए और जितनी देर से भगवान आए नरसिंह उतनी देर से उनका मैंने मुख देखा ही नहीं, केवल चरणों को देखता रहा। जो चरणों को भगवान को देखता रहेगा उसे जीवन में कभी भय नहीं आ सकता। अब कल महाराज जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे, गए थे चरण देखने लेकिन देखने लगे मुख। प्रहलाद ने भगवान का मुख देखा ही नहीं, वो तो केवल चरण देखते रहे। और यही तो सोच रहे करिय राम पद सब करम और दूसरा मुख हनुमान जी का। और एक बात बता दे जिसको याद न रहे थे वो लिख ले, कहते तंत्र शास्त्र में हनुमान जी के जो ये पांच मुखों का ध्यान करके सोता है उसे जीवन में कभी गंदे स्वप्न नहीं आते और कभी गंदे विचार नहीं आते। पहला मुख कौन सा मुख? नरसिंह का। और दूसरा मुख हनुमान जी के पंच मुखी में गरुड़ का मुख। बोलिए गरुड़ भगवान। राम जी ने कहा ये गरुड़ का मुख क्यों हनुमान जी इससे गर्जना कर रहे हो? कहा प्रभु जैसे आपके वाहन गरुड़ आपकी सेवा में तत्पर रह करके आपको पीठ में बैठा के चल देते हैं, वैसे की खोज में ये गरुड़ मुख तुम्हें दिखा करके मैंने सूचना दे दी, अगर सीता की खोज के लिए काम करेगा तो ये गरुड़ के समान आपको ले चलने के लिए तैयार। दूसरा मुख गरुड़ का और पहला मुख नरसिंह का और तीसरा मुख हयग्रीव भगवान का। 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का है, हयग्रीव का है। जिस समय वेद चुरा करके ले गए राक्षस लोग तो भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को चुरा करके ले गया था, जो उसे मार करके वेदों को खोज करके लाए थे। तो हनुमान जी ने कहा तीसरा रूप मैंने इसलिए तुम्हें दिखाया कि जैसे आप वेदों को खोज करके संसार में वेद स्थापित किए वैसे सीता जहां भी होगी मैं उन्हें खोज करके लाऊंगा जैसे हयग्रीव खोज करके ले आए। और चौथा मुख कौन सा है? बोलिए बाराह भगवान की। चौथा मुख बाराह का मुख बनाया। भगवान ने कहा अरे ये रूप जो मैंने बड़ी विषम परिस्थिति में बनाया था, जिस समय हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को मल में छिपा करके रखा था रसातल में, तो केवल सूकर ही मल में जा सकता है, तो मैंने एक बाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को खोज करके लाया था। राम जी ने कहा अरे ये रूप तुमने क्यों बना लिया, ये मुख तुमने क्यों बना लिया? कहा प्रभु आपके लिए जो रूप बनाना पड़े ये हनुमान बनाने के लिए तैयार है। जैसे आप पृथ्वी को सूकर बन करके बाराह बन करके खोज के लाए थे, तो अगर मुझे बाराह भी बनना पड़े तो मैं सीता को खोज करके ले आया। और पांचवा मुख बंदर का मुख। कहा ये बंदर का मुख क्यों बनाया? तो हनुमान जी ने कहा आपके लिए सरल कर दिया है, एक बाबा ने आपसे कहा है अरे कपी आकृति तुम तीनों हमारी।
भगवान ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया कि सीता की खोज करा दूंगा। बंधु अब श्री राम जी को विश्वास हो गया और कहा अब मैं चलो तुमको मिलाता हूं एक व्यक्ति से। अब कौन है? प्रभु वो आपके घर से नीचे नहीं आ सकता, आपको ऊपर चलना पड़ेगा। तो कहा वो है कौन? पूज्य है क्या कोई? अगर वो नीचे नहीं आ सकता हमें ऊपर चलना पड़ेगा तो इसका मतलब बहुत पूज्य व्यक्ति हो गया। कहा नहीं वो पूज्य तो नहीं है। सो सुग्रीव दास तब आहरी श्री हनुमान जी ने कहा वो आपका दास है आपका सेवक है। कहा हनुमान जी महाराज बड़े विलक्षण हो, सेवक नीचे नहीं उतर सकता स्वामी को ऊपर चढ़ के चलना पड़ेगा, कैसा सेवक है? आहा हनुमान जी ने कहा महाराज मरीज संसार में तू करते हो, एक मरीज डॉक्टर के पास चल करके अपना रोग बता करके दवा ले आता है और एक मरीज ऐसा होता है संसार में जिसमें मरीज नहीं जा पाता, डॉक्टर को मरीज के पास जाना पड़ता। कहा जिसके पास मैं ले चल रहा हूं वो मरीज ऐसा ही है, वो डॉक्टर के पास नहीं आ सकता, डॉक्टर को ही उस मरीज के पास चलना पड़ेगा। इतना असहाय मरीज वो है, इतना काम से ग्रसित वो मरीज है कि डॉक्टर को ही उसके पास चलना पड़ेगा। और एक बात बताएं, भगवान ने जब कहा कि जय शायद मैं मारा बाली स्वयं मूर्ख काली, तो लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु एक बात सुन लो, हमारे शब्दकोश में काल शब्द है ये नहीं, काल करे सो आज कर, मैं अभी जाता हूं सुग्रीव को जीवित या मुर्दा किसी तरह से आपके पास लिए आता हूं। भगवान बोले नहीं ऐसा न करना, भय दिखाए गए। जिस समय हनुमान जी पहुंचे जाकर के गर्जना की तो देखो सुग्रीव बड़ा होशियार था, पहले तारा को भेजा, बस देखो भाई बस एक मिनट के बाद समय ज्यादा हो रहा है, तारा को भेजा। तारा जब आई तो कोई कितना भी क्रोध में आवे अगर सामने औरत खड़ी हो जाती है तो उसका क्रोध आधा हो जाता है। हनुमान जी को शांत हुए, फिर तारा सुग्रीव को अपने साथ लेकर के गई और हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव ऐसी काम की नींद में सो गया है कि लक्ष्मण को आ नहीं सकता, आप चले चले। तो हनुमान जी ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं घर के अंदर कैसे घुसूं?
का एक काम करो, लक्ष्मण हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण अगर एक फन वाला सांप किसी के सोते समय उसकी चारपाई के समीप पहुंच जाता है तो उसकी नींद कई रातों के लिए गायब हो जाती है। तो मैं इसलिए हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण तुमको ले चल रहा हूं सुग्रीव के पास कि एक फन वाला सांप अगर कई दिनों तक नींद गायब कर सकता है तो ये हजार फन वाला सांप अगर सुग्रीव के सामने पहुंच जाएगा तो उसके कई जन्मों की नींद गायब हो जाएगी। इसलिए लखन एक बार सुग्रीव के सामने चले गए। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जब लक्ष्मण को ले गए लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ा, लक्ष्मण जी ने कहा भगवान के चरण छो जा चल करके क्योंकि कभी ये राम पद कभी हाँ कहिए राम पद कहिए राम पद पंकज ने हाँ कहिए बस। इसी सूत्र पर चर्चा रात्रिकालीन में फिर सुनेंगे। राम धाम सीता राम 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 सीता राम बोलो राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय गुरु सच्चिदानंद भगवान की। रवीर बजरंग बली की, उमा चंद्रिका महारानी की, बोलो ग्राम देवता की, आज के सत्संग की, बोलो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अभी आदरणीय पांडेय जी ने नाम के अनुसार मानस सरस आपका उपनाम है और कितनी सरस कथा आप लोगों को सुनाई। मंगलवार का दिन है, श्री हनुमान जी की कथा का श्रवण और बीच में श्री रामचंद्र जी के चरण पंकज का चंचरी बना रहे भक्त, यही सबसे बड़ी अभीपसा होती है। ये सम्मति मानस के विविध तत्वों के रामपद ने ही लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। संगत कर रहे थे भाई बिंदा जी, आनंद आ रहा था। मेरा यू कहना है लाखों जन्म लेते हैं अंततः वो भी मरते हैं, लाखों जन्म लेते हैं अंततः वे भी मरते हैं। कोई कुछ कर नहीं पाता, कोई कुछ कर गुजरते हैं। चमक जुगनू सी देखी है अंधेरी रातों में मैंने, चमक चंदा सी केवल तो सिर्फ राकेश करते हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, वंदन करें। एक से एक आयोजकों के फोन आते रहते हैं और अभी भी आपके साथ स्वयं हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए आते हैं। तो जिसका रथ केसो आके उसको किसकी चिंता। महाराज श्री हर जगह निर्भ्रांत रूप से यात्रा कर लेते हैं, ये प्रभु की कृपा है। मैं अभिनंदन कर रहा हूं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से। महाराज श्री का मंच पर विराजमान है ये सब पुष्प, नैराश से निशा के तिमिरांचल में, नैराश से निशा के तिमिरांचल में आशा के मृदु भोर की तरह इस नित्य प्रति दैन्य दुखी जीवन में
हंसती पगल पलकों की कोर की तरह उफनाते प्रलय पयोधि अवधि में, उफनाते प्रलय पयोधि अवधि में जीवन के दृढ़ छोर की तरह, हाँ क्या कोई आएगा फिर से इस दिव्य क्रांति दूत किशोर की तरह। जोरदार सनातन धर्म की मालूम पड़ा, थोड़ा दमदम के साथ बोलो ऐसे तेज को हमारे इटावा जिले के गीदड़ बोलते हैं। बता दो दुनिया वालों का सिंह साहब बोल रहे हैं, दमदम के साथ बोलो सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, दुर्गा माता की, अखंड भारत की, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह की, बंदा बैरागी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। अतिरिक्त बल भ्रामम सर्वशैलाभ देहम दनुजवंत सानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गिरा अरथ जल बीचिसम कहियत भिन्न ना भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लाल देह लालील से अरभर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। जय श्री राम कथा की परंपरा है, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूं। सभी लोग प्रेम और श्रद्धा से दो बार हरिनाम संकीर्तन कर लगाएं, फिर मैं थोड़ी चर्चा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवासु दशरथ अजीर बिहारी, द्रिवासु दशरथ अजीर बिहारी, महावीर भिन्नबो हनुमाना, राम जासु दस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण भगवान की, वीर बजरंग बली की, अनंत बलवंत संतिया हनुमान जी महाराज, आनंद कंद जैन चंद भगवान श्री कृष्ण की बांग्मय विग्रह, अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे आदरणीय हमारे संत प्रवर मधु जी महाराज, संगीत के लहरियों पर जनमानस के मनमानस को झंकृत कर देने के साक्षात बेटी अंजलि, गजब का व्यक्तित्व है जिनका, मंचस्थ राष्ट्रगत लोग निबंध भक्त प्रो के सशक्त व्याख्याकार पंडित राकेश जी पांडे, महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता बंधु जिससे पांडा गौरवान्वित हो रहा है, सीतांशुया गार्गी मैत्री बलालसा के पक्षों पर चलने वाली आज बेटियों, भरत वाटिका के खिले अखिले पुष्प कल्पित होनहार स्नेह भजन भावी राष्ट्रीय कर्ता बालकों, सनातन धर्म के लिए समर्पित समिति जो 38 साल से निरंतर भव्य आयोजन को आयोजित करती है, उसके समस्त कार्यकर्ता दास राघव का आप कभी हृदय है,
प्राचार्य हैं, सारी डिग्रियां जिनके आगे धूमिल हो जाती हैं, अंकेश त्रिपाठी संचालक का पुत्रता निर्वाह कर रहे हैं। दास रघो का सभी हृदय से कोटि सहा नमन वंदन और अभिनंदन, सीए राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो जो पानी, सभी को मेरा सादर प्रणाम सादर जय श्री राम। अभी आप कर्नाटक के बॉर्डर पर थे, जो लोग गए उन्हें पता है किसके साथ कर्नाटक में है। कर्नाटक वालों की दो बेईमानी बताऊंगा मैं आज आपको। सुग्रीव जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। गजब से नहीं है, सुमानी सुंदर ग्रीव माने गला, इसे बोलना बहुत अच्छा आता है। क्या कहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजे भजन करो दिन राति। सीने पे हाथ धर के बताओ, सुग्रीव के पास था क्या जिसको छोड़ देता, जेब में दो पैसे नहीं, पत्नी छीन ले गई, लड़का पास में नहीं, कपड़ा लत्ता पास में नहीं, और कह रहा है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भज जब थाने पे छोड़ेगा क्या। पता राम जी ने सुग्रीव को मूर्ख कहा, पढ़े आप लोग, जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हताऊं बूढ़ कहा काली। ये मूर्ख ऐसे ही होते हैं। भगवान श्री राम ने पूरा चातुर्मास किष्किंधा पर्वत पर किया है, और दुर्भाग्य था सुग्रीव एक दिन भी नहीं आया पूछने के लिए कि फलाहार मिला कि नहीं, एक दिन भी पूछने नहीं आया कि आवास में कोई कमी तो नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज कह दिया ये देश संविधान से चलेगा शरिया से नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार बना रहे हैं। विद्यालय की ड्रेस होती है, स्कूल में क्या पहना जाएगा युवा की कमेटी निर्धारित करती है, और तुम अपना अलग राग अलाप रहे हो, इस देश में संभव नहीं हो सके। समझे आप, अब मैं कथा की ओर चलूंगा लेकिन थोड़ा ठहर गया, पहले मैं एक गीत गाऊंगा उसके बाद भगवान की परम भावनी कथा। हमारे इटावा में कमलेश जी, उन्होंने गीत बहुत बढ़िया गाया, मुझे अच्छा लगा, कुछ चरण गा लेता, गीत लंबा है। पहले कहा था राम पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। पश्चिम बंगाल का दुग्धदेव भट्टाचार्य, इसने भी कहा था राम पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। अभी अभी यह मुकदमा चल रहा था भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें वकील ने कहा था राम काल्पनिक है, राम पैदा नहीं हुए, इन गधों को कौन समझाए। श्री राम हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, वही राम आदर्श लीग है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक हैं, और उनको निभाना जा रहा है। हमारे यहां जब कोई बच्चा पैदा होता है तो राम जन्म के गीत गाए जाते हैं, जब विवाह होता है तो श्री राम विवाह के गीत गाए जाते हैं, जब कोई मरता है तो राम राम सत्य है सत्य बोलो मुक्ति है गाया जाता है। हमारे यहां खेत खलिहान में जब गल्ला तैयार हो जाता था, फसल की राश लगी हुई है, जब तौलने वाला आता था,
प्रथम बार बोलता था तो एक नहीं कहता था, राम जी कहता था। उन्हें नकारा जा रहा है, राम जी होने की मैं प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान देना। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली दो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तण तण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में, चंद सिर फिरो को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। बहुत ही प्रमाण दे रहा हूं, सरयू की निर्मल जल धारा, त्रेता में भी थी आज भी है, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तत्व, और प्रयाग कहा वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण, और सरा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, हुई जहाँ शिवलिंग थापना, जहाँ शांत रत्ना कर रहता, जहाँ शांत रत्ना कर रहता, सेतुबंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, प्रिया राम को वचन निभाता, गोसागर तट साक्षी गण का, गोसागर तट साक्षी गण का, यानी युद्ध राम रावण का, सहज थपेड़ों के पारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे। किससे मारा था रावण, किससे मारा था रावण, क्या लाकर वो धनु बाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है, राम मिलेंगे कहां, ध्यान देना। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, सबरी के जूठे ढेरों में, राम मिलेंगे जहाँ चाह है, ऋषभूक पर्वत गवाह है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम ने लगते झूठे हैं, बुझला दे राम के मर्म को, घायल भी कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरि हर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, तब ऐसे ऐसे राम द्रोहियों का या ऐसे धर्म द्रोहियों का अब पढ़ने गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तण तण साक्षी है। एक बार जय श्री राम का जय घोष करें, तो सुनाओ पर्व पावनी कथा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। ये भक्तियां समर्पित राष्ट्र धर्म के लिए अपकथा कथा। थोरे ही महासब कहो बुझाई, सुनो तात मति मन चितलाई। ये तक कौन होते हैं, ध्यान देना। पार्वती जी ने भगवान शिव से 9 सवाल किए, पर मैं 2 सवाल बताता हूं। कहो जथा जानी, जब चारों बेटियां फूल बनकर के पालकी में बैठ गए, जनक जी एक कोने में बैठे रो रहे थे। तुमने से तमाम बाप ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को विदाई दी है, मैंने अपनी 4 बेटियों को विदा किया अपने घर से। जब बेटी ससुराल जाती है, बाप को कितनी वेदना होती है,
जनक जी भी बैठे कोने में रो रहे थे। सुनैना जी ने कहा अब बेटियां जाने वाली हैं, उन्हें आशीर्वाद दे। जनक जी ने कहा सुनैना मैं सुखी को आशीर्वाद दे सकता हूं, उर्मिला को आशीर्वाद दे सकता हूं, मांडवी को विदाई दे सकता हूं, लेकिन सीता को कैसे विदाई दूं? तो आप भी आशीर्वाद करते हो, सब बाप तो अपनी बेटियों को खुशी खुशी विदाई देते हैं, आप भी दीजिए। जब बहुत मनाया तो गए सुखदी के सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद, मांडवी सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद दिया, उर्मिला सिर पे हाथ रखा आशीर्वाद दिया। और तब तक सीता खड़ी थी तो देख देही सी की मूर्त निज अंग बिसूरत खोवन लागे, मंत्री सबे मन मौन धरे मिथिलेश की मूर्त जोबन लागे, मानो विराग की गाथ मही पर बेगन चल बिंदु सथोवन लागे, और ज्ञान की तो मर जाते मिट्टी कह जान की रोबन लागे। हा सीता हा बेटी, सीता को सीने से लगा, सीता जी की आंखों के आंसू से जनक का पुत्री भीग रहा था, बाप की आंखों के आंसू से बेटी की पीली साड़ी भीग रही थी, दोनों रो रहे थे। दृश्य करुणा का था, सुनैना ने दोनों को अलग किया। ये क्या कर रहे हैं? योगी होकर के संसार को नाशवान कहने वाला इस प्रकार वो था, फिर भी नहीं माने तो पकड़ करके अलग कर दिया। तो जनक जी एक शिला खंड को पकड़ करके हा सीता करके रोने लग गए। पालकी भी चली गई, पालकी चली गई, बारात गई। अब ध्यान देना, जनक जी को सुनैना जी ने कहा कि बेटियां तो गई, आप लोग पत्थर की चट्टान पकड़ कर रो रहे हैं, बेटियां गई बाप कौन? अयोध्या के रास्ते बाप कौन? और बारात कमला नदी तक पहुंच चुकी थी, जनक जी नंगे पैरों दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी ने महाराज श्री को कहा मिथिलेश तिरहुत राज नंगे पैरों दौड़े चले आ रहे हैं। जनक जी महाराज दशरथ जी ने कहा हमारा संगी नंगे पैरों यहां तक दौड़ा चला आया, हां तो पढ़ लेना लिखा रहा हमारे, क्या लिखा है? बोले राव बहोरी उतर भय धाड़े, बहोरी माने फिर उतर भय महाराज, राव बहोरी उतर भय धाड़े तो प्रेम प्रवाह विलोचन पाड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों सती कमला नदी के किनारे रो रहे थे। गुरु जी ने कहा ये रोने धोने का समय नहीं है, अलग तो हो जाइए। जनक जी ने कहा मैं बिना मैं कैसे रहूंगा? दशरथ जी, दशरथ जी ने कहा आप चिंता मत करें, आपकी बेटियां चक्रवर्ती सम्राट के घर में जा रही हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, और मैं तुम्हारी बेटियों को बहुत बड़ा स्नेह और सम्मान प्रदान करूंगा। अच्छा, जनक जी ने कहा कि तुम बेटी की वेदना को क्या जानो सम्राट, तुमको तो बेटी है ही नहीं, तुम तो चार चार बेटों के पिता हो, चार चार बेटी, जिसको बेटी पैदा ही नहीं हुई वो बेटी की वेदना को क्या समझे? पर नहीं 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 ऐसा मत सोचिया, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारी बेटियों को बहुत बड़ा स्नेह दूंगा। फिर हम कैसे विश्वास कर लेते?
उन्होंने दशरथ जी ने कमला नदी का जल एक चुल्लू में लिया। वो कहा मैं क्षत्रिय हूं, रघुवंशी हूं, संकल्प करता हूं कमला के किनारे जल लेकर के मैं तुम्हारी बेटियों को अपने बेटों से ज्यादा स्नेह दूंगा और सम्मान दूंगा। प्रमाण चाहे तो वो बता दे, स्नेह ज्यादा दूंगा, सम्मान ज्यादा दूंगा। प्रमाण दे रहा हूं, दिया क्या नहीं। जिस समय सुमंत को वापस लौटाने के लिए भेज रहे हैं, उन्होंने कहा मंत्री बन दिखाए सुर सरी अन्न बाई अन फेर भेग दो भाई। बन दिखा कर गंगा नहलाकर हमारे दोनों बेटों को लौटा दिया। सुमंत बोले आपने प्रयास किया, राम जी नहीं रुके, हमारे समझाने का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसकी क्या करना है। तो बोले एक सू तो दे रहा हूं, जाओ नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई और तो मैं विनय करूं कर चोरी के फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर हमारे दोनों बेटे लौटे तो लौटे और ना लौटे तो हाथ जोड़कर मेरी तरफ से कहना कि सीता को लौटा। और बोले अगर सीता भी ना लौटी तो बोले न करुणे पटे अवलंब विहीना मैं न जिया बेचे में जल बिन मीना। हमारे दोनों बेटे बनवास को चले जाएंगे, मैं जिंदा रह लूंगा। अगर हमारी पुत्र वधु बन को गई तो कमला का जल लेकर संकल्प किया था उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। आपने बेटों से भी ज्यादा बेटियों सम्मान दिया तो कहो जथा जाने की विवाही। और एक बिंदु पर थोड़ा प्रकाश और डाल देता हूं, जब मैं बोलता हूं तो घड़ी बहुत तेज भागती है। मैं बताया 79 साल पुराना किर्लोस्कर इंजन है, 3 घंटे में स्पीड पकड़ता है, तब तक सिग्नल दिखाई दे जाता है। एक बिंदु पर थोड़ा प्रकाश में और डालने का प्रयास कर रहा हूं। कहो जथा जानकी विवाही और राज तजा सुदूषण काही। अयोध्या जैसा विशाल श्री राम ने साम्राज्य क्यों छोड़ा। ध्यान देना, बोला राम जी को अयोध्या से निकाला गया कि राम जी ने खुद छोड़ा है, खुद छोड़ा है। दशरथ जी ने तो यहां तक कहा है राम तुम मुझे बंदी बना लो, जेल खाने में डाल दो, सत्ता पर काबिज हो जाओ। और रामायण थोड़ा संकेत दिया है राय राम राखन हित लागी और बहुत उपाय किए छल त्यागी। और अयोध्या के तमाम नागरिक भगवान श्री राम के साथ वन में चले गए। भगवान श्री राम ने लौटा दिए, समय से कहा था खुद मार्गदर्शन होता था आम उपाय करने नहीं पाता। अयोध्या का राज भगवान श्री राम ने स्वयं छोड़ा है। केवल मैं 3 बिंदुओं की चर्चा करूंगा, 4 हो जाए तो जल्दी जल्दी करता हूं मैं। पहला बिंदु यह, जब माता कौशल्या के महल में भगवान प्रभु राम गए तो कौशल्या जी ने पूछा बेटा कुछ मीठा खा ले। तात जाऊं बलि बेग नहारू जमन भाव मधुर कछु खाऊ। राम जी मुस्कुरा कर बोले अम्मा मीठा क्यों खा लू। अरे बोले इतना बोला है जब कोई शुभ काम होता तो मीठा ही खाया जाता है। तो बोले आपको क्या शुभ काम मालूम है अम्मा। कौशल्या जी बोली कि तुम आज युवराज बनने जा रहे हो। राम जी ने कहा तुम युवराज जानती हो अम्मा, हमारा प्रमोशन हो गया है। क्या प्रमोशन? हाँ। बोले पिता दीन मोहे कानन राजू। अयोध्या का राज छोटे भाई को दिया है,
छोटा राज छोटा भाई को दिया है और बड़ा राज बड़े भाई को दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजू और जह सब भांति मोर बड़ काजू। कौशल्या चौंक पड़ी, जंगल का राज भी कोई राज होता रहा? दुल्हां अम्मा जय सब भांति मोर बड़ काजू। अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दें तो अकल में आ जाएगी। राम जी ने कहा जय सब भांति मोर बड़ काजू, बन में हमारा बहुत बड़ा काम है। अच्छा एक बात बताओ, बन में रहते कौन लोग हैं? वनवासी, आदिवासी, जंगली। राम जी ने कहा जब राजाओं ने विकास की धारा जंगल में नहीं पहुंचाई है, रोड जंगल में नहीं पहुंचे, आज के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, मोदी जी ने यही तो सोचा। गैस के सिलेंडर, बिजली, पानी, खाद्यान्न, जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है, जहां का विकास अधूरा है, जहां रोड नहीं है, जहां व्यवस्थाएं सरकारों ने नहीं दी है, वहां पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं। यही राम जी ने कहा कि जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है, जब तक प्रजा के अंतिम नागरिक तक विकास की किरण नहीं पहुंच जाएगी, तब तक राम राज्य नहीं हो सकता है। इसीलिए पिता दीन मोहे कानन, अरे कोई तू जंगल में कैसे रहेगा मेरा राम, 27 साल का तो है। अम्मा एक बात बताओ, अच्छा बताओ जंगल का राजा कौन होता है, कोई जानता है? शेर, शेर ही तो होता जंगल का राजा, के गीदड़ होता है भाई गजा। और राम जी सिंह है क्या? नहीं, यही तो लिखा रहा है, सिंह तो भी हर चले मुनि भय हरण, कृपा सिंह रोगी अखिल विश्व का। कौशल्या कहा कि बन जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? राम जी ने कहा अम्मा जहां पर दैत्यों ने, जहां अपराधियों ने, जहां राक्षसों ने, जहां कौरवों ने बेटियों का अपहरण किया है, जहां भय भूख और भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, लोग भूखे मर रहे हैं, पैसे त्रिसत हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने के लिए राम का आया है। तब सवाल उठता है राज्य तजासो दूषण काही। दो तीन प्रदूषण बताने का मैं प्रयास करूंगा जल्दी जल्दी। पहला प्रदूषण ये था, अच्छा सही बताओ दशरथ जी को कितनी स्त्रियां थी? तो लोग कम सौंपती हम भी जानते थे, थी हमें भी मालूम था थी, लेकिन जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो उसमें 360 लिखी। अध्यात्म रामायण जब मैंने पढ़ी तो 350 लिखी। अब गजा जब तुलसीदास का साहित्य पढ़ा तो रानियां दशरथ जी को 700 गिनी सेवनहेंद्रे, कितनी 700 पारागन सिय सिखावत सकल सास सत साता, सकल सास सत साता 700। राम जी ने कहा ये राजा ये राज्य के लिए प्रदूषण है, यह राज के लिए कोर है। जब एक राजा को स्त्रियां 700 होंगी तब उनका क्रीम पाउडर ब्राह लिपस्टिक साड़ी कंगन ये लाएगा तो सत्ता को संभालेगा। तुम बताओ राजा की स्त्रियां कितनी होनी चाहिए? 700 नहीं, केवल एक। ये राम जी ने कीर्तिमान पैदा किया है।
राजा को न 3 होना चाहिए 350, न 307, न 700, केवल एक स्त्री होना चाहिए, वही सत्ता का संचालन कर सकता है। तो मोदी ने सोचा हमारे एक रंग सोच छोड़ दे, देश के लिए सफर फिट हो जाए, एक रंग छोड़ दो करी कराई ले। मैं ऐसे कभी कभी विरोध में कुछ कर देता हूं, अन्यथा बदले आपको मैं बता रहा हूं, रावण को 20,000 को एक राउंड में लाया था। ये राजा है देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत भरी निज बाहुबल बहु सुंदर परदारी। 20,000 एक राउंड में लाया था। दादा हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कहता हमारे यहां 4 बीवियां रखने का प्रावधान है। 4 कितने बच्चे पैदा करो, छुट्टी है खुली छूट, जो मन में आए वो पहनो। ये सब क्या हो रहा देश? राम जी ने सोचा ये नहीं चलेगा। राम जी ने कीर्तिमान पैदा किया है कि राजा को कई स्त्रियां नहीं, और अकबर के यहां तो मीना बाजार लगता था। ये सब क्या होगा देश? तो राम जी ने कहा नहीं ये सब गलत, राजा को केवल स्त्री एक होना चाहिए, एक ओनली वन। और कितने ब्याह राम जी के भाई बताओ? एक ही तो बहु केवल एक। और ऐसा नहीं कि राम जी की लाख में कोई दूसरी स्त्री नहीं आई, आई। और गरीब घर की नहीं आई, कमजोर घर की नहीं आई, मूर्ख घर की नहीं आई, धनवान बलवान विद्वान घराने की एक आई। अब आप नाम जान गए होंगे, सुश्री कहूं तो सूर्पणखा कहूं, अभी मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। सूर्पणखा आई, लेकिन उसने सोचा सूर्पणखा ने कि मैं बहुत एजेंट हूं, ये मुझे लाग करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सूर्पणखा का भगवान श्री राम के साथ एक्सीडेंटल लव था, एक्सीडेंटल लव। उसने सोचा ऐसे नहीं, ब्यूटी पार्लर में गई, पहले ब्यूटी पार्लर थे नहीं, मैं बता रहा हूं। सौंदर्य कहां मिलता है, रुचिरता कहां मिलती है? ब्यूटी पार्लर में। तो रुचिर रूप धरी प्रभु कहां जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई के तुम समय पुरुष नमो सम नारी, ऐसा योग विधि गचा विचारी, मन अनुरूप पुरुष जग माही, देखा खोज लोग तिहु नाही, ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम है निहारी, मन माना कछु तुम है निहारी, पूर्व फिर तुमसे भी संतुष्ट नहीं हूं, केवल 25% 25% हमें भी राकेश जी ने बताया एक बार, कछु माने चौथाई होता है, कछु मारे कछु मर्द से कछु मिले से धर दूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु कर कट बल भूरी। तो 25% ये आंकड़ा समझ नहीं आया सूर्पणखा का, 50-25% हमारा प्रेम तो विद्युत दिव्य के साथ है, जिससे मेरी पहली शादी हो चुकी है 25%, और 25% प्रेम राम तुम्हें समर्पित है। और अगर तुम मना कर दोगे तो 25% में तुम्हारा छूटा भाई रखना, इससे बात करती हूं। और तुम दोनों ने नहीं चाहा तो 25% लव इसलिए रखा कि कोई और मिल जाएगा। व्यक्तित्व थे लोगों के, तो मन माना कछ तुम ही निहारी। भगवान श्री राम ने सूर्पणखा
क्या? नहीं, कहा देखा? बामांग में विराजमान भगवती सीता को देखा, बामांग में विराजमान सीता जी को देखा। ये लिखा रामायण में, सीत चेत कही प्रभु पापा। सूर्पनखा की ओर आंख उठाकर के राम जी ने नहीं देखा। क्यों? मोय अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। वो स्वप्न में देखता हो, आंख उठाकर कैसे देखेगा? रघुवंश ने कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरी न का। कुमार कुमार में पैर राम नहीं रखेगा, नहीं सूर्पनखा को देखा। ये कौन कर सकता है बताओ? आजकल के लोगों के पास अगर कोई आ जाए, इतनी सुंदर, इतनी धनवान, इतनी बलवान, इतने विद्वान घराने की, तो आदमी नाचने लगेगा। तुम चीज बड़ी है, मस्त मस्त कर लेगा क्या नहीं? अपनी पहले वाली पत्नी को सरफास खिला के मार डालेगा, कह देगा आई लव यू। ये लव जो है, इसमें चार अक्षर एल ओ वी ई, एल से लैब ऑफ सोर, ओ से ओसिन ऑफ टीयर, बी से वैली ऑफ डेथ, ई से इन ऑफ लाइफ। इसे कहते हैं लव। ध्यान देना, सूर्पनखा को राम जी ने नहीं देखा। कभी कभार लोग कहते थे राम जी ने रावण को जीता, राम आदर्श है। छोड़ो जी, राम जी ने अगर रावण को जीत लिया तो राम का सम्मान हो गया? बिल्कुल गलत। रावण को जीतने वाले का सम्मान अगर हो जाता तो मैं प्रमाण दे रहा हूं तीन ने जीता है। सो भुज बल राख्यो और घाली, जेते उन सहस बाहुबली पाली। अंग भी बता रहे हैं, बल है जेतन एक गयो पताला, राखा बांध सुन है साला। बल के बच्चों ने पका लिया, घोड़साल में बांध दिया, चारा भूसा डाल दिया, जानवर समझ के ले। बच्चों ने जीत लिया रावण को, उनके कहा मंदिर बने के रामायण बनी। सहसा भाव ने रावण को हरा दिया। अंका जी बता रहे, एक कहत मुह सब कुछ अति, रहा पाली के कांथ, तेन महताय रावण कवन, सब क्या कहो तजमाथ। विचार करिए आप, जिन तीन ने जीता, जो राम जी को सम्मान मिला, न सहसा भाव को मिला, न बल को मिला, न बाल को। कभी कभी लोग विचित्र ढंग के हैं। एक बार एक आदमी का राघव जी, जब ये एक आदमी सकुच तिरहा बाल के कांख कांख में दबा लिया तो सूर्यांजलि देता तो भाग जाता। ये तो कैसे रहा कांख? हमने कहा कांख शब्द का मतलब है अंडर कस्टडी, ये नहीं है कि बगल में दबाए बैठा रहा। समझे? आदमी कुतर करना सीखता है। ये किस पर्पस से लिखा गया है इस पे कभी विचार नहीं करता है। तो इन तीन को सम्मान नहीं मिला जो राम जी को मिला। राम जी को सम्मान इसलिए मिला, एक सुंदरी स्त्री आई, प्रणय का निवेदन कर रही है, राम जी ने उसकी आंख उठाकर नहीं देखा। ये थे हमारे आदर्श श्री राम। एक बात बता, 1883 का एक पद स्वामी विवेकानंद का रखा हुआ कलकत्ता की लाइब्रेरी में। उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा था, मित्र हमारा सम्मान अमेरिका में इसलिए नहीं है, विश्व में इसलिए नहीं है कि मैंने वहां बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, बहुत बढ़िया प्रवचन दिया, बहुत सुंदर भाषण दिया, इसलिए हमारा वहां सम्मान नहीं मिलता। तो हमारे सम्मान के रहस्य है। क्या रहस्य है? तो हमारे सम्मान का रहस्य है, एक रात को शिकागो में जिस कमरे में फहरा हुआ था, बाहर से काल बैल बन गया। तो मैंने समझा कोई मिलने आया, आधी रात थी, तो मैंने साकल को खोला, कुंडी जब खोली तो बाहर देखा
एक बहुत सुंदर सजी धजी रूप सी नौ यौवना खड़ी थी। मैंने पूछा देवी इतने समय आपके आने का कारण क्या है? उस लड़की ने कहा इतने भोले हो हिंदुस्तान के व्यक्ति तुम ये भी नहीं जानते हो कि एक जवान लड़की आधी रात को जवान पुरुष के पास क्यों आई। विवेकानंद का तो करैक्टर बहुत ऊंचा था, वो छिछली बातों से बहुत दूर थे। विवेकानंद जी ने पूछा कि मैं तो नहीं जानता हूं, आप बताइए आने का कारण क्या है? उस नौ यौवना ने कहा स्वामी जी आप बहुत ओजस्वी तेजस्वी हैं, मैं चाहती हूं आपके द्वारा मुझे भी आप जैसा ओजस्वी और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जाए, ये आशा लेकर आपके पास में आधी रात को आई। विवेकानंद जी ने कहा कि मेरा शरीर मां शुद्ध पड़ गया, ये क्या हुआ? विदेश में आकर ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा देवी हमारे द्वारा तुम्हें हमारे जैसा पुत्र पैदा होगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बुरे का अच्छा पुत्र हो जाए और अच्छे का बुरा हो जाए। मेरे द्वारा मेरा जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, अगर मेरे जैसा तुम्हें पुत्र चाहिए तो पैर पकड़ कर कहा मां मैं तुम्हारा बेटा हूं, बताओ क्या आदेश है मेरे लिए। यह है हमारा इंडियन कल्चर, ये हमारी भारतीय संस्कृति, इसलिए स्वामी विवेकानंद सम्मान है, यही राम जी ने किया है। ध्यान दीजिएगा सीत चित कही प्रभु ताता अहे कुमार मोर लघु भ्राता। ये भूषण था, ये प्रभूषण था, ये खामी थी, ये कवि थी पहली कवि। आप सुनो दूसरी बता दू क्यों राम जी ने अयोध्या का राज छोड़ा? अच्छा बताओ राजा को कितने बेटा होना चाहिए? 15, 20, 25 कितने होना चाहिए? केवल दो, हम दो और हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं। तो राम जी को कितने बच्चे थे? ये दूसरा कीर्तिमान भगवान राम ने स्थापित किया है। कितने बच्चे थे पढ़ लेना। दिल सुत सुंदर सीता जाए लवलो से भेद पुराण गाए, दो विजयी बिनई गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मन हो अति सुंदर। सीता देव टुटुटी संस कितने बच्चे थे? दो। राजू कितने थे? दो। तो भाइयों को कितने थे? काल को तीन तो नहीं आते? दो दो सुत सब भ्रातन के रे भय रूप को नसील भनेरे। सीता जी को दो, भाइयों को सबको दो दो, राम जी को पत्नी एक, भरत को एक, लक्ष्मण को एक, शत्रुघ्न को एक, किसी को दो स्त्रियां तो नहीं थी जी। और पल्लेना रामायण में केवल जब राम जी ने कीर्तिमान पैदा किया है तो नाथ ऑफ ग्रेट मैन नाथ रिमाइंड दस बी कैन मेक अवर लाइफ सम लान एंड डिपार्टिंग लीप ए अंडर थर्ड पर्सन दिस सेंस ऑफ टाइम। ये जो कीर्तिमान राम जी ने पैदा किया ध्यान देना, केवल राम को एक पत्नी थी, सब भाइयों को पत्नी एक एक थी। प्रजा के लोग एक नारी व्रत रत सब झारी, किसी को दो नहीं थी, एक नारी व्रत रत सब झारी, प्रेमन बचे क्रम पति हितकारी। और पुत्र कितने थे? राम जी को दो, तो दो दो सब भाइयों को थे। बहुत आबादी बढ़ा करके देश का मटिया मेहनत मत करो। अब आप हमारी उंगली उठाओगे राघव किशोर, एक और तो आप कहते हो अगला बच्चा अभी नहीं,
दो के बाद कभी नहीं। तो ये 10-10 बच्चों वालों को आप पुरस्कार दे रहे हो, भारतीयता के खिलाफ बोल रहे हो, ध्यान देना, मैं बहुत सच बात बता रहा हूं आप लोगों को, नहीं जानते हो सुन लो। ये सारा उत्तरी बैठ मुस्लिम माहौल होता जा रहा है, वो राजभक्त था, बच्चे दो तीन और एक कोई नहीं, ये तो राम जी ने कीर्तिमान स्थापित किया है, पश्चिम ने बनाए हैं कि लोग इस पर इसका अंतकरण करके इस पर चले जाए, लोकतंत्र नहीं था, और लोकतंत्र की आड़ में हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, खिलवाड़ क्या लोग आड़ ढूंढे कि बच्चा फिर पैदा करो, अपने प्रधान होगा, अपने एमएलए होगा, अपने सांसद होगा, अपने प्रधानमंत्री होगा, अपने पंच होगा, अपने प्रधान होगा और अपना ही मुख्यमंत्री होगा, अपने प्रधानमंत्री, अपनी राष्ट्रपति, ये साजिश है, षड्यंत्र है, इसलिए मैं सजग करता हूं तुम लोगों को, ये हिजाब पहन करके पत्नी जो हो रही है विद्यालय की ड्रेस होती है उसको छोड़ करके हिजाब पहना जाएगा, ये हाई कोर्ट ने कहा है कर्नाटक में, देश संज्ञा से नहीं संविधान से चलेगा, नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। अब आपको एक बात बताऊंगा, तब तुम कहोगे तुम ये पुरस्कार क्यों बांट रहे हो, अब लोकतंत्र है राजतंत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें जगाने आया हूं, जाग जाओ, कारण क्या है, आप इसलिए जगो कि ये देश फिर दूसरों के हाथ में ना चला जाए, इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है, तब मैं, और अगर आप प्रमाण चाहो तो लोगों प्रमाण दे रहा हूं तुम लोगों को, अगर अगला बच्चा अभी नहीं दोगे बात कभी नहीं, ये कानून वसुदेव देवकी ने अपना लिया होता तो कृष्ण भगवान पैदा ही नहीं होते, क्योंकि आठवीं संतान थे, तीसरी या चौथी नहीं थी, कृष्ण भगवान पैदा नहीं होते, स्वामी विवेकानंद अपने माता पिता के पुराण गाए दो विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मन हो अति सुंदर, ये हमारे प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। आप तीसरा ये कई दूषण बताए, आप दूषण और प्रदूषण सुनो, ये सब दूषण और प्रदूषण है, एक प्रदूषण में और बता दूं, अभी लगभग 5 मिनट है, 5 नहीं 7 बोले, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक प्रदूषण था, महात्मा गांधी ने बहुत पहले एक बात कही थी, इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है लेकिन संगठित है, और हिंदू बहुसंख्यक है लेकिन विघटित है, हिंदुओं में फूट है, दरार है, कई पार्टियां हैं, राजनीति चिल्लू भर पानी है जनमत के सागर में, और सब गंगा समझे बैठे अपनी अपनी गागर में, हमारे देश का दुर्भाग्य है, आप ध्यान दीजिएगा, छुआछूत उस समय चरम सीमा पर था, रामायण में लिखा है जासु छाह छोए ले यही सींचा लोग वेद सब भात ही नीचा, निषाद की मल्ला की छाया नहीं छूते थे, हमने देखा 70 साल पहले हमने देखा ये सब क्या हुआ, हमने देखा कि कोई हरिजन अगर हमारी अम्मा का लोटा गिलास कटोरिया छू ले तो फिर उसको कंडा सुलगा, कंडा आगे बाहर गया बाद कटोरिया थाली लोटा डाल रहे, फिर बगैर के मारते थे, तब जान अपवित हुआ तब उसको उपयोग में लेते थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, पहली बार जा छाछो ले लिए सींचा लोग वे सब बातें नीचा, तो भगवान श्री राम ने लोकतंत्र की स्थापना की है,
इसलिए जय सब भांति मोर बड़ काजू। सबसे पहले भगवान राम केवट के पास और केवट के पास जाकर के राम जी ने नाव मांगी है। और थोड़ा तुम्हें अटपटा लगेगा क्योंकि मैं खुद जानता हूं अटपटा बोल रहा हूं, स्पेलिंग अलग है। राम जी ने वहां क्या मांगा केवट से? नाव। अच्छा, नाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोट कहते हैं कि नहीं? श्री राम काल के बोट बटी फेरी मैन टू नॉट ड्रिंक एट द लेटर्स नो सेक्रेट। मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। मरम क्या जानता है? केवट ने कहा श्री राम हमने सुना है तुम्हारे पैर की धूल पत्थर को इंसान बना सकती है, मैं इंसान होकर पत्थर की मांग की रही तुम्हारी व्यवस्था है। राम जी ने कहा मैं करता हूं। बिल अन जल पाओ पखारू बुद बिलंग उतारी पारू। अजूत उतार लिया। अब राम जी ने कर दिया, अभी जन्मत नहीं है राम जी के साथ में। अब ध्यान देना, जब राम जी को लौटाने भरत जा रहे हैं तो निषाद ने दूर से प्रणाम किया। राम जी ने पूछा गुरु जी इतने दूर से प्रणाम कौन कर रहा? राम सखा है। तो पढ़ लेना रामायण में, राम सखा सुन चंदन त्यागा उमग चले उतर चले उमगत अनुरागा करत दंडवत देखते भरत लीन उदलाय मन हो लखन सन फेंट भई प्रीति न हृदय समाज। सबने अच्युत उद्धार अभियान में शामिल हुए। कौशल्या उसने पैर छुए, लक्ष्मण के पैर छुए, सबको छू रहा है। ये क्या हुआ? अछूतोद्धार ये तो हो गया, मायावती ने तो अभी किया है। ये तो इनकी वोट पाने की राजनीति है कि राम जी को देखिए। जब राम जी ने किया तो भरत जी ने किया। अब गुरु जी सोच रहे हैं कि मैं इस अभियान में सम्मिलित नहीं हो सका। मैं सोच रहा हूं मैं परम पावन हूं, ब्रह्मा का बेटा हूं। आप लेकिन अब सारा जन्म एक और हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? लेकिन केवट ने गुरु जी को मर्यादा अनुसार दूर से प्रणाम किया। लिखा समान प्रेम पुलक केवट कहे नाम किन दूर ते दंड अपना राम सखा ऋषि पर बस भेंटा और जन्म ही लुटत स्नेह समेटा। कब हुआ क्या? राम जी और निषाद मिले, पुष्पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पर देवता ने पुष्पुष्टि किया है, धन्य हो राम यहाँ अछूत उद्धार हो गया। ये प्रदूषण था, कई प्रदूषण है, तीन चार प्रदूषण चर्चा की, समय प्रति होती है सीमा होती है। अब हमारे दो सवाल है। पहले सवाल हमारा भाइयों बच्चों से, सवाल में कभी कठिन नहीं करता, कोई ये ना सोचे कि पुरस्कार बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों को केवल इतना बताना भाइयों बच्चों समान सवाल है, तुम्हें केवल इतना बताना है कि महाराज दशरथ को कितनी रानियां थी तुलसी साहित्य में। आइए स्वागत है। आंध्र बच्चे हैं गजा भाई साहब बता रहे 700 पालागन सिया सिखाव सकल सा उधर मौका पूरा वाली फूट जाएगी। वैसे तीन हम लोग भी जानते हैं और कहीं 350 लिखी, कहीं 360 लिखी, तुलसीदास 700 लिखी है। आपका नाम भाई साहब क्या है? राघवेंद्र शुक्ला। ले ये राघवेंद्र शुक्ला आए थे, राघवेंद्र शुक्ला है, इन्हें पुरस्कार प्रदान कर रहा हूं। शुक्ला जी के सम्मान में जोर बात ताली बजा स्वागत करता हूं। अब सवाल बहन बेटी मुझे, तुमको केवल इतना बताना है कि दशरथ जी ने कमला नदी का जल लेकर के क्या प्रतिज्ञा की थी जो जनक वापस लौट गए सीता को लेने आए थे।
आज आ गई है। वाह, ये तो बिल्कुल याद ही कर रहे हैं। ये कह रही हैं कि अपने बेटों से भी ज्यादा मैं तुम्हारी बेटियों को स्नेह और सम्मान दोनों चीजें दूंगा। कमला का जल लेकर के संकल्प किया था। आपका बहन जी नाम क्या है? विनीता यादव। आय गजा विनीता यादव है बेटी का नाम। 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहा। दो बात चालू बेटी के स्वागत। बेटी ने लिए नहीं, उन्हें अर्पित कर दी। किसी हिंदू को 10 बच्चे फंदा हो तो जल्दी करो, 10 का गिनती गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए। राम कृष्ण भगवान की सभी स्वागत प्रणाम। जय श्री राम। धन्यवाद। पंडित राम फेर पांडे जी हृदय का ये चयन था और आदरणीय दीक्षित योम राघवपुर मानस सत्संग समिति के आग्रह से आदरणीय पांडे जी कल मंच पर आएंगे ये सूचना हम सभी लोगों को मिली है। तो जोरदार इस सुखद न्यूज के लिए आप लोग ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने कई जिलों में अध्यात्म के मंच खड़े किए हैं और हम जैसे लोगों को तैयार किया है, कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज श्री ऐसे परम विभूति के शिष्य हैं जिनसे दीक्षा प्राप्त की है अयोध्या से, पूरे विश्व में उनके शिष्य हैं। ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन है श्री राम हर्षण दास जी के आप अनन्य भक्त एवं शिष्य हैं। कहा जाता है कि वो सीता जी को बहिन मान करके उपासना करते थे और जब भाव में आते थे तो कटोरी में आंसू भर जाते थे। ये अयोध्या में प्रसिद्ध है। इतने सिद्ध संत के आप युग हैं, दीक्षा प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली शिष्य हैं। तो हमारे पिताजी के भी बहुत अच्छे संबंध रहे और उन पर उन्होंने अष्टक लिखा है जो दूरवा पत्रिका में और सास्वती ग्रंथ में छपा हुआ है। और जब वो ब्रह्मलीन हुए तो हमारे घर में पिताजी रो रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या? तो उन्होंने एक वाक्य कहा और जोर से रोने लगे कि भारत का एक बहुत बड़ा महापुरुष आज ब्रह्मलीन हो गया। ऐसे परम श्रद्धेय के तो शिष्य हैं मधुर जी। और एक बात बताऊं, ये ऐसे मंच पर बैठे हैं जो हम लोगों के गुरु हैं। स्कंद पुराण में कहा गया कि गुरु से ज्यादा महत्ता किसी की भी नहीं है, परमात्मा की भी नहीं है। न गुरो रधिकम न गुरो रधिकम न गुरो रधिकम न गुरो रधिकम शिव शासन ता शिव शासन ता शिव शासन ता शिव शासन ता। और आपने जो मधुर नाम जिस विभूत ने आपको दिया हो, निश्चित रूप से वो मधुरता आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकती है, या यूं कहूं कि कूट कूट करके भरी है। और आप आनंद कंद यशोदानंद लीलाधारी मुरारी ब्रजरथ बिहारी भगवान बनवारी के भी अनन्य पुजारी हैं। भारत वर्ष के प्रतिष्ठित मंच पर आप श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, ये मुझे जानकारी है। और राम कथा भी भ्रमण करके कहते हैं, कभी गोरखपुर में है, कभी बस्ती में है, कभी पंजाब में है, कभी हरियाणा में है। ये सौभाग्य है कि हम लोगों के लिए उमा चंद्रिका महारानी के आपकी कृपा थी कि तिथियां रिक्त थी और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो ऐसे विभूति हम लोगों को मिले। और लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको आशीर्वाद उड़ेल दिया, अपने जीवन की सारी मधुरता आपने भर दी। और मुझे तो याद आता है मधुराष्टक कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम
मथुरादिपते रखिलम जैसे कि मैंने कहा शाश्वत अविनाशी अपरिवर्तनीय सनातन सर्वोच्च सत्ताधीश भगवान श्री राम। मंच संचालन कर रहे समलंकृत परम स्नेही हृदय प्रिय हमारे भाई
अंबिकेश त्रिपाठी जी, बेटी क्या नाम? अंजलि मिश्रा। भैया राकेश पांडे जी, जिनका स्वर, जिनकी वाणी और जिनकी संगीत सुसुप्ता अवस्था को भी जागृति अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, और हमारे भूतपूर्व जवान, अरे हम बुजुर्ग कहे बोले, जब वो कहते हैं इंजन गर्म ही 3 घंटे में होता है तो फिर उसको ऐसे क्यों कहा जाए। भूतपूर्व नौजवान क्रांति दूत महाराज जी, आप सभी कथा रस के स्नेही श्रोतागण, राघोपुर ग्राम या इसके आसपास से आए सभी संभ्रांत पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्तियां, मानस के माध्यम से आप लोग भी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे हैं। राम मानव के जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामचरित मानस में न हो। जिंदगी कितनी लंबी मिल जाए ये माने नहीं रखता। वैसे हमारे वेद संकेत करते हैं कि सतम जीवित सर्दा, कलयुग में प्रत्येक मानव को 100 वर्ष तक जीने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अस्वस्थ होकर के नहीं, असमर्थ होकर के नहीं, दूसरे पर डिपेंड होकर के नहीं, स्वस्थ रूप में। हमारा जीवन, हम अपने जीवन की दिनचर्या स्वयं कर सकें, और अगर जीवन किसी और पर डिपेंड हो गया तो अपनी ही जिंदगी अपने आप को ही भार लगने लगती है, मुश्किल हो जाता है। उसमें भी जीवन कितना लंबा मिले ये माने नहीं रखता। जो भी जीवन हमको, आपको XYZ किसी को भी मिला है, हम उस जीवन को व्यतीत कैसे करें, ये प्रेरणा रामचरितमानस में। बिंदु जी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, 2-4 पंक्तियों को हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा है। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार
सुख से किनारे कर लगाती की
कलि पावन अवतार प्रभु पूज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। बड़ा अद्भुत प्रसंग, प्रेरणास्पद, केवल श्रवणात्मक नहीं है, अनुगमनात्मक प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे महाराज कांति देव जी से। पहली बात तो मातृशक्तियां हमारे यहां सदैव से वंदनीय रही, प्रारंभ से भगवान के भागवत के माध्यम से 24 अवतारों का वर्णन आता है और रामचरित मानस में हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अवतार हे विजय होई अद इद मिथम कह जाता है। अनेकों अवतार, सब कुछ अनंत है और माता लक्ष्मी के मात्र 3 अवतार की चर्चा है, भगवान के अनेकों और लक्ष्मी के केवल 3 अवतार। भगवान गर्भ के माध्यम से आए, जादिते हरि गर्भ में आए, माता कौशल्या के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, सकल लोक सुख संपत्ति चाहिए। रामावतार में और कृष्णावतार में गर्भे त्वा साधयात्मानम् ऐसा श्लोक आया है, वहां गर्भ की जब भगवान श्री कृष्ण माता यशो देवकी के गर्भ में प्रवेश किए तो देवताओं ने गर्भ की स्तुति की, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नीतम च सत्य सत्य से सत्य अमृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना एकायनोऽसौ दुर्बल त्रिमूल चतुर्सा पंच विदा सदात्मा सत्तत्व कष्ट विटको नवाचो दश क्षति दुर्गो ह्याद वृक्ष एकायनोऽसौ। वहां पर गर्भ माता लक्ष्मी का पहला अवतार गर्भ से नहीं हुआ, समुद्र मंथन से हुआ। माता लक्ष्मी का दूसरा अवतार सीता जी के रूप में हुआ, वहां भी महाराज जनक की भार्या से नहीं हुआ, जमीन से हुआ। हल्का फल एक घट से टकराया और उस घट से माता सीता की उत्पत्ति। तीसरा अवतार माता रुक्मिणी का है, राजा भीष्म भागवत के 10वें स्कंध का 55वां अध्याय। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या चा वरानना 5 पुत्र महाराज भीष्मक की भार्या से उत्पन्न हुई सांसारिक क्रिया के द्वारा और माता रुक्मिणी महाराज भीष्मक एक दिन प्रातः काल एक सरोवर के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो भगवान सूर्य उदित हो रहे थे, किरणें प्रस्फुटित हो रही थी, भगवान सूर्य की किरणें एक प्रस्फुटित कमल पर पड़ी और अचानक महाराज भीष्मक ने उस कमल पुष्प खिले हुए कमल पुष्प की तरफ देखा तो उस कमल पुष्प पर भीष्मक को एक नन्ही सी बालिका नजर आई, बड़े प्रसन्न हुए और जाकर उस बालिका को लेकर के आए, अपनी भार्या को ले लिया, हमको एक पुत्री रत्न की उत्पत्ति हुई जो दुनिया को अपने घर में स्थापित करने का, जो भगवान को अपने घर में स्थापित करने का रखने का सामर्थ्य रखती है उनको ऐसी कौन सी महिला है जो अपने घर में स्थापित करे, कोई शक्ति थी। बड़ी बड़ी सुंदर चर्चा भी आप सब श्रवण कर रहे थे,
राम जी के चरित्र को पवित्र बनाने में माता सीता का बड़ा योगदान है, अनुपम योगदान। सीता जी की वंदना कितने अद्भुत है, जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय, करुणा निधान की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ताके युग पद कमल मनाऊं, क्यों जास कृपा निर्मल मति पावा। निर्मल मति को ही सुमति कहते हैं। अगर मति निर्मल है तो वो सुमति है, और अगर मति मलिन है तो वो कुमति है, और अगर सुमति है तो जास सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। माता सीता का जीवन कितना कष्टमय रहा, कितना दुखमय रहा, लेकिन कभी क्रोध नहीं किया जीवन में, कभी क्रोध नहीं किया। केवल एक बार किसी साहित्य में हमने देखा कि विवाह करके अयोध्या आई, एक दिन माता सीता आंगन में से शीघ्रता के साथ अपने कक्ष की तरफ जा रही थी। सेवकों ने झाड़ू लगाया और आंगन में कुछ अव्यवस्थित स्थान पर उसको रख दिया। मां ने ध्यान नहीं दिया और उस तीले के झाड़ू उसकी सीख का जो अग्रभाग नुकीला था उमा के कोमल चरणों में चुभ गए, रक्त निकल गया, वेदना हुई, पीड़ा हुई। महाराज दशरथ आंगन में कमल की पंखुड़ियों को बिखेरवा दिया था सीता जी के आने के बाद, इतने नाजुक चरण थे, और उन कमल की पंखुड़ियों पर जब सीता जी चरण रखती थी तब भी उचक जाते थे, यानी वो कमल की पंखुड़ियां माता के चरणों में छूती थी। जब वो नुकीला झाड़ू का सीका मां के चरणों में चुभा तो चीख निकल गई, देखा रक्त क्यों झाड़ू। मां को क्रोध आया और गुस्से में बोल गई तू मेरे पैर में चुभ गए, इतनी पीड़ा मुझे दिया, जल जा मरी कहीं की। होता है माताओं को ऐसे क्रोध। माता जानकी के मुख से यह वाक्य पूरा नहीं हुआ उससे पहले झाड़ू जल करके राख हो गई। और संयोग की बात है कि पास में आंगन के एक कोने पर तीनों माताएं बैठी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। माता जानकी तो क्रोधित होकर श्राप दिया और शीघ्रता से अपने कक्ष में चली गई, लेकिन कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बिल्कुल सिहर उठी, कप भयभीत मुद्रा में तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, बोलती कुछ नहीं कोई किसी से। भगवान श्री राम का आगमन हो गया, देखा तीनों माताएं बड़ी दुखी। राम जी ने पूछा मां क्या हुआ, न कुछ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।